हाय फ्रेंड्स मैं हूँ माना वेलकम टू मूवीजी रात बड़ी हो गई तो मैंने सोचा यार ऐसी वीडियो बना देता हूँ फटफट से तो छतरी वाली मूवी देखी मैंने अभी और मतलब छतरी वाली मूवी भी देखी छतरी वाली मूवी का नाम मैं छतरी वाली मूवी एनीवे सो दिस इज़ अ मूवी अबाउट कॉन्डम्स एंड टैबूज एंड सोसाइटी हाउ दे टेक दी सब्जेक्ट्स एंड हाउ मच द यंगर जनरेशन इज अवेयर ऑफ दिस तो जितने भी सिटीज़ के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका जो अवेयरनेस लेवल है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर्स इज बड़ी हाई बट वेन यू गो टू हरियाणा और इवन लोअर सेगमेंट ऑफ सिटीज इन इंडिया दे आर नाट अवेयर ऑफ दीज वन यू ग्रोइंग अबाउट एनी थिंग एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू सिक्सुअलिटी राइट तो ये उसी टैबू के बारे में बात करती है ऐसी मूवीज़ पहले भी बन चुकी हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फ़न लगा uh, देखते टाइम इंजॉयबल uh, है एक लाइट हार्टिड मोमेंट बनता रहता है कोई प्रोटेंशियस होने की कोशिश नहीं करते हैं uh, शुरू से ही ये मुद्दा नहीं होता कि आपको कुछ नई चीज़ सिखा देनी है ये बाई द वे हो जाता है और जब चीज़ें बाई द वे हो जाती है ना तो आपको ऐसा लगता है कि यू बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ दैट लर्निंग। so, पर भी आपको कैरेक्टर्स जो दिखेंगे वो काफी अच्छे हैं चाहे वो रकुल प्रीत का हो चाहे वो सुमित व्यास और उसकी केमिस्ट्री हो हाउ दे बिकमिंग एन अंडरस्टैंडिंग कपल वो भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है इसके अंदर कि कैसे एक को दूसरे की बात सुननी चाहिए और फिर वो क्या स्टेप्स लेते हैं टू हैव अ वेरी सेफ सेक्स टू से एंड देन बहुत ही अच्छा मुझे रोल लगा राजेश तेलांग का वो एक बायोलॉजी टीचर हैं एंड ही हैज़ अ माइंड सेट इशू बिकॉज एज ये ओल्ड माइंड सेट्स होते हैं ना कि दिस इज़ हाउ आई विल टीच बायोलॉजी एंड एंड ही बींग अ मेल मेम्बर ही हैज टू टीच टू फीमेल्स यानी फीमेल स्टूडेंट्स एंड मेल स्टूडेंट्स तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है वो उसका माइंडसेट कैसे चेंज होता है इवेंचुअली वो एक काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से मूवी का प्रोग्रेशन है बिकॉज़ आपके पास फुल नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसको डिसेमिनेट नहीं कर पा रहे नीचे तक ये एक बहुत ही बड़ा मुझे पॉइंट लगा मूवी का हाईलाइट लगा कि आ, जिनके पास नॉलेज है वो भी एक टैबू के अंदर फंसे हुए हैं, हैं और अब उनको ऐसा लगता है कि ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए तो किताब पर तो है तो सी बी एस वगैरह को बोर्ड को बोल दो भैया काट दो इसको पन्ने फाड़ दो इसके ऐसा तो नहीं है ना तो फिर वापस सिखाना तो बनता है अब आपको आ, आ, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स लेनी है कैसे समझाना है उस पर डिपेंड करता है तो एक और मैटर इसके अंदर जो नहीं डिस्कस किया गया है कि हाउ टू टीच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किया गया ब्रेवरी जरूर दिखाई गई है कि इसके अंदर हाउ शी बिकम्स द फ्रंट रनर रकुलप्रीत और वो सिखाने निकल पड़ती है किन सर्कमस्टांसिस में और क्यों वो मूवी का पार्ट है वो आप देखना uh, बाकी सतीश कौशिक जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स अब करने लग गए तो मुझे काफी अच्छा लगा आई थिंक वो जी फाइव के साथ भी उनकी अच्छी एसोसिएशन हो रही है इससे पहले uh, कौन सा ब्रदर्स आई थी वो एक किलर uh, ब्रदर्स जैसे करके कुछ एक सीरीज भी आई थी अभी नाम भूल गया लास्ट ईयर आई थी वो तो uh, वो उसके अंदर भी उनका काफी डॉन टाइप रोल था वो काफी इंटरेस्टिंग रोल था इसके अंदर तो दिस मूवी विल एंटरटेन यू दिस मूवी विल ब्रिंग अ स्माइल ऑफकोर्स देर आर सम कॉन्वर्सेशन दैट यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद द फैमिली बट दैट्स द होल पॉइंट दैट स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल दिस इज नॉर्मल एंड दैट्स the reason why we become a 1.42 billion population wali country uh, china ko bhi piche chhod diya hai humne to okay talk about it then yahi movie ka mudda hai theek hai and be comfortable about it okay and uh, use it wisely ये भी important है और uh, जो चीज़ मेरे ख्याल से हल्की सी जो मुझे मिसिंग लगी इसके अंदर uh, जो uh, जो जो, 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 जो चेंज है फ्रॉम uh, सिचुएशन ए टू सिचुएशन बी जिस ठीक है तो वो जो हुआ वो एकदम बहुत सडन हो गया कि उसको ब, अलग अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था तो, स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ मैं आपको लेकिन आ, समझ लीजिए कि एक कैरेक्टर है वो ये डिसाइड करता है कि कल से मैं एजुकेशन दे रही हूँ तो वो अचानक थोड़ा सा आपको फील हो सकता है लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक मूवी आपको एंटरटेन करेगी इट्स तो अ बेटर मूवी देन वो नुसरत फतेह की नुसरत अली क्या नाम है उस एक्ट्रेस का उसके रात हो गई ना दिमाग चलना बंद हो गया तो उसका उसकी जो मूवी आई थी वो भी शायद जी पे ही आई थी क्या नाम था यार उसका छोड़ो उसको वो उससे बेटर है मूवी तो आप इन्जॉय करोगे मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा एट आउट ऑफ टेन इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी जस्ट दैट यू कैन नॉट और यू मे चूज लेट्स से नॉट टू सी इट विद योर फैमिली अकेले देख के इन्जॉय कर लेना <laughs>